देखो तो वही देखो कहाँ 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 के लाने हमारे 25 नंबर तो बैठी पड़ी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक नर्स ही दिखने वाली महिला कुछ दवाएं पर्चा वगैरह लिख रही है कहाँ का वीडियो है और कौन है वो जो दवा लिख रहा है ये जिला अस्पताल के दंत विभाग का वीडियो है जहाँ डॉक्टर की अनुपस्थिति में उनकी सहायिका जो सहायिका है उनको भी पावर नहीं होती लीगली कि वो मरीजों को दवा लिख सकें और उसके बाद भी MR है एक लड़की कोई वो अपनी कंपनी की दवाइयाँ लिख रही है बाकायदा सरकारी रजिस्टर में मरीजों की एंट्री कर रही है और अपने मन माफिक मेडिकल पर भेज रही है। हमारे भाजपा होलीगेट मंडल का एक कार्यकर्ता वहाँ गया था उसने मुझसे शिकायत की उसके बाद ये वीडियो बना करके डाला गया है जो प्रमाणित है कि वो MR लड़की बैठ करके वहाँ रजिस्टर में एंट्री कर रही है और मरीजों को दवाइयाँ लिख रही है दवा के रोगियों को प्रोटीन पाउडर प्रोटीन सिरप के नाम पर ठगा जा रहा है। तो ये कब का मामला है ये अभी मेरे संज्ञान में आया था शायद 3-4 दिन पूर्व का ही है अभी ज़्यादा पुराना नहीं है लेकिन ये शिकायत कई बार आ चुकी है मतलब अक्सर दवाएं लगती है अक्सर दवाएं लगती है भाजपा होलीगढ़ मंडल का मंत्री होने के नाते मेरा दायित्व है कि सरकारी तंत्र में इस तरह के अगर भ्रष्टाचार हो रहे हैं तो उनको उजागर किया जाए सरकारी अधिकारियों के सामने लाया जाए तो बस पुलिस प्रशासन के सामने लाने के लिए जिला अस्पताल प्रशासन के सामने लाने के लिए कार्रवाई की गई। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिला अस्पताल का दंत चिकित्सा विभाग का जिसमें एक MR डॉक्टर की बजाय एक MR दवाएं लग रही है। नहीं मेरे तो ये संज्ञान में नहीं है और मैं तो डेली निरीक्षण करता भी हूँ OPD का इंडोर का तो कभी जो अभी आप लोगों ने दिखाया तो मेरे को तो ये हाँ लड़की एक बैठी हुई जरूर दिख रही है मगर मेरे संज्ञान में ना आज से पहले अभी तक आया ना इस प्रकार की कोई लड़की को वहाँ पे मैंने डॉक्टर साहब की बगल में कुर्सी पर बैठे हुए देखा अभी तक नहीं देखा मैंने और आप लोगों ने दिखाया तो मैंने संज्ञान ले ही लिया आप ये समझिए इसको मैं इसकी इंक्वायरी कमेटी गठित करके करवाता हूँ मालूम करता हूँ कि ये लड़की कौन है और क्यों बैठी है। सर अक्सर एक समस्या और आती है कि बाहर की दवाएं लिखी जाती हैं खासतौर पर उन कंपनियों की दवाएं लिखी जाती हैं जिनकी दवाएं बेहद महंगी हैं ये मेरे बिल्कुल सख्त निर्देश हैं शासन की मंशा के बिल्कुल विपरीत हैं ये यदि एक भी मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़े उससे बिल्कुल नहीं चूकूंगा मेरे अस्पताल में मरीजों के लिए सारी दवाएं उपलब्ध हैं किसी भी दवा की कोई कमी नहीं है सरकार के द्वारा हमें पर्याप्त मात्रा में दवाएं दी जा रही हैं यदि कोई भी चिकित्सक या कोई अन्य व्यक्ति यदि बाजार की दवा लिखते हुए मैंने पकड़ा या मेरे संज्ञान में आया तो मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई खुद भी करूंगा और शासन को भी लिख दूंगा।